सो वेलकम बैक गाइज, दिस इज ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माई चैनल गाइज। और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही शानदार और अमेजिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे यार 6x के ऊपर, कि आपको 6x का रिकॉइल कैसे कंट्रोल करना होता है, उसकी परफेक्ट सेंसिटिविटी कैसे बनानी होती है, और आप खुद की एक परफेक्ट सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हो। और अगर आप जायरोस्कोप प्लेयर हो तब भी आपके लिए मैंने इसमें सेंसिटिविटी बना के दिखाई है पूरी, और अगर आप नॉन जायरो प्लेयर हो तब भी मैंने इसमें पूरी सेंसिटिविटी पूरी डिटेल बताई है आपको, कि आपको कौन सी सेंसिटिविटी पे खेलना चाहिए और कौन सी सेटिंग्स पे खेलना चाहिए। तो उससे पहले यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, तो लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब बटन दबा दो। सो गाइज, किसी भी स्कोप की सेंसिटिविटी बनाने से पहले उसका रिकॉइल कंट्रोल करना आपको आना चाहिए, और अगर आपको रिकॉइल कंट्रोल करना नहीं आता तो आप कुछ भी सेंसिटिविटी बना लो पर नहीं हो पाएगा। तो देखिए यार, तीन टाइप के प्लेयर होते हैं, एक होते हैं जो ऑलवेज ऑन पर खेलते हैं जायरोस्कोप को, एक होते हैं स्कोप ऑन पे खेलते हैं जायरोस्कोप को, और एक होते हैं जो नॉन जायरोस्कोप प्लेयर होते हैं वो क्लोज पे खेलते हैं। तो देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो क्लोज होता है वो मतलब कि पूरा ही थंब प्लेयर है, मतलब नॉन जायरोस्कोप प्लेयर है, और जो इस पे खेलता है ऑलवेज ऑन पे खेलता है वो पूरा कंट्रोल जायरोस्कोप से ही करता है, मतलब उसको कोई भी थंब की मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। और जो मिड पे खेलता है उसका होता है कि जब आप स्कोप ऑन करोगे सिर्फ तभी आपका जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी काम में आएगी, और ऐसे जब आप क्लोज कॉम्बैट करोगे बिना एडीएस के तो आपकी सेंसिटिविटी काम में नहीं आएगी। तो ये डिफरेंस रहता है यार, इन तीन तरीकों से आप अपना रिकॉइल कंट्रोल करते हो। जायरोस्कोप प्लेयर के लिए सिर्फ स्क्रीन को टिल्ट करना होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उनका रिकॉइल कंट्रोल अच्छे से हो जाता है। साथ में अगर उनको एम शिफ्ट करना होता है तो अपने फ़ोन को ही टिल्ट करके राइट लेफ्ट करके तो अच्छे से अपना एम टिल्ट कर सकते हैं। तो जो थंब प्लेयर होते हैं, मतलब जो नॉन जायरोस्कोप प्लेयर होते हैं, उनको रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए अपने थंब का यूज़ करना पड़ता है, उनको डाउनवर्ड की डायरेक्शन में अपने थंब को धीरे धीरे स्लाइड करना पड़ता है। तो उस स्लाइडेंस पे भी डिपेंड करता है कि आपका कितना रिकॉइल कंट्रोल होता है, कि कुछ प्लेयर होते हैं कि उनकी सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है और वो स्लाइड भी बहुत ज़्यादा करते हैं तो रिकॉइल कंट्रोल अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो दोनों चीज़ों का मैचअप होता है, उससे आपको परफेक्ट सेंसिटिविटी मिल सकती है। तो देखिए, जब आपका सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है या आपकी सेंसिटिविटी कम होती है, देखिए अगर आपकी सेंसिटिविटी कम है और आप अच्छे से रिकॉइल भी कंट्रोल कर लेते हो तब भी आपका स्कोप ऊपर की तरफ जाता है, तो मतलब कि आपकी सेंसिटिविटी कम है थोड़ी, उसको थोड़ा सा ज़्यादा करो ताकि आपके टारगेट मैचअप पर वो पहुँच पाए। और अगर आप अच्छे से रिकॉइल कंट्रोल कर पाते हो फिर भी आपका स्कोप नीचे की तरफ जाता है, तो मतलब कि आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा कम करके देखो ताकि वो आपके टारगेट को मीटअप कर ले। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं यार, जिससे आपकी सेंसिटिविटी या आपकी जो गड़बड़ होती है, जो भी आप सेंसिटिविटी बनाते हो, अच्छी सेंसिटिविटी बनाने के बाद भी आप अपना रिकॉइल कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो यही वो बेसिक कारण रहते हैं कि जो आपको पता ही नहीं होते हैं, मतलब कि आपके ही अंदर जो कमी है उसको आप पूरा नहीं करते हो, और सेंसिटिविटी वाली वीडियो देखते जाते हो, वहाँ से कॉपी की और उठाई और पेस्ट की और लगा ली, तो सोचोगे मेरा रिकॉइल कंट्रोल हो जाएगा। नहीं यार, ये आपकी मेंटलिटी है। अगर आप रिकॉइल कंट्रोल बेटर तरीके से करना जानते हो तो आपको मैं कोई भी सेंसिटिविटी दे दूंगा तो आप अच्छे से रिकॉइल कंट्रोल कर लोगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो लो सेंसिटिविटी होती है उसमें अगर मैं हाई सेंसिटिविटी वाले प्लेयर को खिलाऊंगा तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, पर वो कर लेगा। तो ऐसे ही आपको अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी बनाने के लिए करना क्या होता है, अब उस पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए यार, सेंसिटिविटी बनाने के लिए आपको एक मतलब कि 90 मीटर या 100 मीटर की रेंज में अपनी सेंसिटिविटी बनानी पड़ती है। तो देखिए, आपको इस लोकेशन पे आ जाना है, तो पहले हम एरिया सेंसिटिविटी बनाएंगे। एरिया सेंसिटिविटी आपको पता ही है, जब भी हम स्प्रे करते हैं, जब भी हम कोई एडीएस के साथ में कोई भी काम करते हैं तो उसमें एडीएस सेंसिटिविटी काम में आती है। तो जिस इस टाइम मैं स्प्रे कर रहा हूँ 6x से, तो इसमें मेरी एडीएस की सेंसिटिविटी काम में आती है। तो देखिए यार, जब भी हम कन्वर्टेड 6x चलाते हैं तो उसको 3x में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें 3x की सेंसिटिविटी काम में आती है। तो आपको 3x की स्कोप की ही सेंसी में ही काम चलाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम एडीएस की सेंसिटिविटी बनाएंगे। तो पहले आपको
इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं करनी होती है, मतलब कि जो भी आपकी कस्टमाइज सेंसिटिविटी होती है, जो भी आपने पहले बना रखी है उसमें थोड़ा बहुत अप या डाउन करके देखो। तो मेरा रिकॉइल कंट्रोल अच्छे से मतलब कि हेड पे ही जा रहा है, तो मेरी सेंसिटिविटी इतनी अच्छी बन चुकी है। तो मुझे इसके हिसाब से जो अपनी स्प्रे कर रहा हूँ उससे अंदाज़ा लगाना होता है कि मुझे सेंसिटिविटी कम करनी है या मुझे ज़्यादा करनी है। तो मुझे जैसा फील हुआ तो मैंने उसके हिसाब से थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी कम की। तो अब देखते हैं, तो ये देखिए बिल्कुल लेज़र स्प्रे मैं मार पा रहा हूँ। तो इसके पीछे यही कारण होता है यार कि आपको जजमेंट हो चुकी है कि यार मेरी सेंसिटिविटी कैसे काम कर रही है। तो थोड़ा लॉन्ग रेंज की स्प्रे आप मार के एक बार देख लिया करो, क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि 100 मीटर की जो रेंज में आप स्प्रे मार रहे हो उसमें और जो 200 प्लस मीटर की स्प्रे मारोगे उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा गेम प्ले के टाइम पे कि भाई मेरी सेंसिटिविटी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो आप पहले ही उसको टेस्ट कर लिया करो। अब हम बात करते हैं कैमरा सेंसिटिविटी आपकी वो होती है जब आप फायर किए बिना अपने स्कोप को राइट लेफ्ट करते हो। तो इसकी सेंसिटिविटी बनानी इतनी मुश्किल नहीं होती है। आप इसकी सेंसिटिविटी अपने हिसाब से बना सकते हो कि आपको कितनी फास्ट मूवमेंट चाहिए कि आप एक एनिमी से दूसरे एनिमी तक अपना स्कोप एकदम शिफ्ट कर पाओ। तो वो अपने हिसाब से, अपने थंब की मूवमेंट के हिसाब से आपको करना होगा कि आपको कितना फास्ट चाहिए। तो बेसिकली ज़्यादा भी फास्ट अच्छा नहीं रहता, आपको इतना रहना चाहिए कि आपके थंब के हिसाब से आप कंट्रोल कर पाओ, इतना भी ज़्यादा आगे ना जा पाओ। तो इसको आप अपने थंब के हिसाब से सेट कर सकते हो। इससे आपको जब भी आपके सामने स्क्वाड आती है, कई प्लेयर्स ओपन में दिखते हैं, तो एकदम से आपको जब अपना कैमरा जो शिफ्टिंग करना होता है अपना एम, तो उसमें ये हेल्प करती है ये सेंसिटिविटी आपकी। तो ये देखिए हमने दोनों सेंसिटिविटी बना लिए यार, कैमरा प्लस एडीएस दोनों का मैचअप बन चुका है। तो आपको टेस्ट करके देखना होता है एक बार कि मैं अच्छे से इसको कंट्रोल कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। तो ये देखिए, तो ये तो रही यार नॉन जायरोस्कोप प्लेयर जो होते हैं उनकी सेंसिटिविटी मैंने आपको बना के दिखाई है। अब हम बात करते हैं थोड़ा जायरोस्कोप प्लेयर्स की अपनी सेंसिटिविटी कैसे बनाते हैं। तो जायरोस्कोप प्लेयर्स को ये पता होगा यार कि उनकी सेंसिटिविटी होती है वो कैमरा प्लस एडीएस दोनों का मिक्सअप होता है, मतलब कि जो भी वो सेंसिटिविटी बनाते हैं वो कैमरा में भी वर्क करती है और आपकी एडीएस में भी वर्क करती है। तो देखिए कैमरा की सेंसिटिविटी बनाने के लिए, कैमरा प्लस एडीएस की सेंसिटिविटी आपको बनाने के लिए यहाँ पर आना है और स्प्रे करनी है। तो देखिए मैं कम सेंसिटिविटी पे भी अच्छे से मतलब रिकॉइल कंट्रोल कर पाऊंगा, पर मुझे फ़ोन का जो टिल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो मतलब कि मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा फ़ोन को टिल्ट करूं, तो मुझे इसी के हिसाब से अपनी सेंसिटिविटी बनानी पड़ती है। अगर आप सेंसिटिविटी को फुल रखोगे तो आपको कम टिल्ट करना पड़ेगा अपने फ़ोन को और आप रिकॉइल भी कंट्रोल कर पाओगे। ये देखिए 300 पे भी मैं अच्छे से रिकॉइल कंट्रोल कर सकता हूँ और 190 पे भी अच्छे से रिकॉइल कंट्रोल कर सकता हूँ, पर मुझे अपने हिसाब से ये सेंसिटिविटी चाहिए कि जितना मुझे टिल्ट, जितनी मेरी मेमोरी बन चुकी है कि मुझे इतना टिल्ट फ़ोन करना है और मेरी अच्छा सा रिकॉइल कंट्रोल हो जाएगा। तो मैंने अपनी सेंसिटिविटी परफेक्ट बना लिया है। तो आप भी ऐसी अपनी सेंसिटिविटी बना सकते हो अपनी माइंड के हिसाब से, अपने फ़ोन टिल्ट करने के अनुसार कि आपको कितना टिल्ट करना है। मुझे ज़्यादा टिल्ट करना है तो आप ज़्यादा कम सेंसिटिविटी बनाओ, अगर आपको कम टिल्ट करना है तो ज़्यादा सेंसिटिविटी बना सकते हो। तो ये तो परफेक्ट सेंसिटिविटी मैंने आपको बता दी कि थंब प्लेयर और जो जायरोस्कोप प्लेयर होते हैं उनको कैसे सेंसिटिविटी पे काम करना होता है और उन्हें कैसे अपनी सेंसिटिविटी मिल सकती है परफेक्ट रिकॉइल वाली। तो देखिए यार ये तो रही बेसिक सी चीज़ें कि आपको सेंसिटिविटी कैसे बनानी होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है यार तो एक सब्सक्राइब बटन दबा दिया करो, क्योंकि यार मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग सब्सक्राइब बटन दबा के चले जाते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। तो कुछ प्लेयर तो यार ये भी बोलते हैं कि एम बोट लगाया है, हैक यूज़ कर रहा है। यार भाई मेरे ट्रेनिंग मोड पे कौन एम बोट लगा के आपको वीडियो बना के दिखाएगा, और साथ में मैंने आपको कई वीडियो में हैंड कैम भी दिखाया है तो उसमें भी आपको पता लग ही जाता है यार। तो ये बेवकूफ़ वाली बातें मत किया करो, अगर हेट ही देना तो अच्छे से हेट दो, पर अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो ऐसे भी मत बोलो। तो अगर जिनको वीडियो पसंद आती है यार वो सपोर्ट कर सकते हैं, और ताकि उनको नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसा ही मज़ा आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।